ठीक है गाइस, तो हम लोग देखने वाले हैं लाइक इसका ठंडा पेंटेक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा वाट हमने पेंट लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अनवांटेड चीज़ मैंने यहाँ पर मॉडल किया था लाइक किसी के रिक्वेस्ट पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। अभी राइट नाउ मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं अगर टेक्स्चर करने वाला हूँ। देखो मैं उस टेक्स्चर कैसा है, मैं आपको टेक्स्चर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। मैं बस अगर जींस का टेक्स्चर ऐसा है, ठीक है, अब जींस का टेक्स्चर मेरे पास पहले से यहाँ पर है तो मुझे इसे बनाने की जरूरत नहीं है क्या? तो इसको नीड ही नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हम लोगों को यहाँ पे चीज़ों का ऐसा कुछ मैनेज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट। ये अनरैपिंग से पहले हटा देना है क्या आपको? ये अगर आप पहले से हटा दोगे तो देन आपके पास चीज़ें जैसे ये 1 2 जैसे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया आपने, ये पार्ट ऐसा हो जाएगा। और देन अनवांटेड चीज़ को आपको हटाना है, वापस नॉर्मल कर देना है आपको, जैसे हमने एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं क्या भाई, सिंपल वाट जितने अगर मैं नॉर्मल मेरे को पेंट पर अगर टेक्सचर करना है तो मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगा क्या कि लाइक मेरे पास लाइक शेप्स कैसे रखने, जितने एजेस ज़्यादा होंगे उतने मेरे पास यहाँ पे क्या होगा चीज़ों को लाइक मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो आप चाहो तो ये जैसे अनवांटेड एजेस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखो ये ठीक है, मैंने इसका मॉडलिंग करने का प्रोसेस भी बता रखा था यहाँ पे। अभी कोई इस पर भी करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसे रिलैक्स करना है यहाँ पे। अभी अभी कोई इसे करना चाहो तो कर सकते हो लाइक, चलो मैं इसे ऑब्जेक्ट पे गया कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रहन दो, इसे अनरैपिंग करते हैं। अभी अनरैपिंग मुझे इस टेक्सचर के अकॉर्डिंग अनरैप करना है क्या? जब भी कोई टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होता है तो उससे पहले ये सोचना है कि मुझे अनरैप कैसे करना है। साथ से देखो दोनों साइड पार्ट है यहाँ पे, और पीछे वाले पार्ट से मुझे सीम देना है, यहाँ से पीछे से सीम देना है जो कट होकर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे यूवी एडिटिंग। मैंने इसका एक दो वर्जन मैंने और भी दे रखा है, ठीक है, लाइक मैं एक कार्टूनी कैरेक्टर है तो उसका कैसे करना है, एक रियल कैरेक्टर है तो उसका कैसे करना है, और शेप किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा है तो कैसे करेंगे, वो सब कुछ मैंने अपने दूसरे वीडियोस में दिया है क्या, ठीक है। ऑटोमेटिक कर देते हैं यहाँ पे, कर दिया मैंने यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फंडा, मुझे यहाँ पे अगर चीज़ को मैनेज करना है तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर लाइन एक होनी चाहिए, यहाँ पे सेंटर लाइन पे गए यहाँ पे, ओके। अभी सेंटर लाइन को ये लिया है मैंने यहाँ पे, अंदर से ये सेंटर लाइन लिया यहाँ पे और अंदर से ये भी सेंटर लाइन लिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है कि जो सीम मेरे पास इधर चला गया वो सीम मुझे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अभी फॉर ए टाइमिंग मैं इसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड सीम, तो आपका सी ये अनरैप हो जाएगा। देखो अनरैप में टाइम नहीं लग रहा, अभी अनरैप में सबसे मेन चीज़ क्या है कि चीज़ों को मैं समझना कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ यहाँ पे, मैं सीम यहाँ पे आया है। देखो यहाँ पर प्रॉपर कट नहीं है तो दिक्कत आएगी क्या? अभी इन चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नहीं है, या अगर इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे यू वीज टू सेल। देखो ये पार्ट आपका अलग हो गया यहाँ पे, तो इन चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा क्या। शिफ्ट एंड अनफोल्ड ये खुल जाएगा, टू सेल एंड अनफोल्ड ये खुल जाएगा। अभी मेरे पास ये मॉडल मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे करना है क्या, चीज़ों को अरेंज करना है। फ्रंट पार्ट कौन सा ये समझना है, जैसे फ्रंट पार्ट है टू सेल, अभी मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, देखो मेरे को ये स्ट्रेट रखना चाहिए लेकिन स्ट्रेट है नहीं, ठीक है। तो वन वन करके हम लोग थोड़ा डील करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल लाइन स्पेस बार यहाँ पे सेट किया। अभी देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ठीक चीज़ ठीक दिख रही है मुझे यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर सेट करूँ शिफ्ट एंड कट, और मैंने यहाँ पे यूवी टू सेल, और मैंने यहाँ पे क्या किया हल्का सा रोटेशन दे दिया यहाँ पे, तो स्ट्रेट आ जाएगा। तो जहाँ लगता है मुझे नीड है ना कट कर लेना चाहिए, यहाँ पर कर लें, ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास ऐसा रोटेशन में आ गया तो मैं कैसे करूँ, ओके। ये जो पार्ट है अभी मुझे टेक्सचर के अकॉर्डिंग काम करना है, तो मैं चीज़ को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेट किया और एजिस पे गए, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके, यहाँ पर एक ऑप्शन है शिफ्ट राइट क्लिक एंड सीव करो, मूव एंड सीव नहीं करना, मेक श्योर ध्यान रखना मैंने सीव किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे गए यूवी टू सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर में क्या करते हैं सबके बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं सेट कर दिया, देखो अब ऊपर का पार्ट है ना, यहाँ पे वापस आते हैं यहाँ पे। अब मुझे अलाइन भी करना है क्या यहाँ पे, अभी अलाइन कैसे करेंगे, यहाँ आओ, अलाइन पे गए, मुझे ऊपर वाला पार्ट सीधा करना है तो मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया टू यूवी सेल बॉर्डर, सब में मुझे यही काम करना है,
हर एंगल पे, क्योंकि मेरे पास टेक्सचर कैसा है, उस टेक्सचर को आपको देख के चलना है क्या। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन दिस वन, ओके स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे ये अलाइन कर दिया टू यूवी सेल बॉर्डर। जो जो पार्ट हो गया उसे छोड़ के बाकी पार्ट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ ध्यान दो ऊपर का पॉइंट से मेरे पास यहाँ पे, अभी ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे देखो यूवी टूल किट पर आके यहाँ पे अलाइन करना है, अलाइन हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ मिल रही है, यहाँ पे देखो अब सब मेरे पास स्ट्रेट होते जा रहा है, तो यूवी को स्ट्रेट करके भी आपको डील करना है। यूवी सेल बॉर्डर, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक दिस वन, दिस वन, ओके। अभी या तो मैं जाऊँ नीचे वाला पार्ट स्ट्रेट कर लूँ, या ऐसे करके मुझे करना है तो मैं यहाँ पे अलाइन कर लूँ, भाई मुझे यहाँ पे बॉटम पे करना है, ठीक है, ये बॉटम पे करना है, तो मेरा काम हो गया। तो सेल बॉर्डर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे लाइक बहुत ही ध्यान से देखना है, कौन सा स्टेप है देखो, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे जो सेंटर के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो आपके जो पार्ट है वो आपके यहाँ पे जो पार्ट है, देखो आपको पहले लाना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला काम एजिस को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, इसे स्टेट करना है। अभी स्टेट करने का ऑप्शन मैं आपको पहले ही वीडियोज में बता चुका हूँ, पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हमें कैसे क्या करना है। कर्टन शिव, यहाँ पे एक होता है, एक स्टिच टुगेदर है, यहाँ पे शिव है, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे गए, अनफोल्ड में गए, यहाँ देखो स्ट्रेटन सेल, ये देखो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, डैन ये स्टेट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, टू यूवीज में जाने के, यूवीज डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन सब चीज़ को लाइक आराम से अरेंज करना है, क्या इसका कोई लेना देना नहीं, तो डिसलेक्ट कर देना आप यहाँ पे। अभी जब मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्ट्रेट यूवीज है, ठीक है, यहाँ चेक करो ये कैसा आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे अगर मैं ऐसा ही अलाइन करने वाला हूँ, अलाइन कहाँ है मेरे पास, अलाइन पे सेंटर पे गए, ये पार्ट आ गया। अब इस पार्ट के साथ मुझे ये भी लेके चलना है क्या, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो लाइक ऐसा रहना है, एक ही लाइन में होना चाहिए। अभी देखो टू यूवी सेल बॉर्डर, सेफ प्रेस किया, इन्वर्स सिलेक्शन। एक चीज़ और ध्यान देना, देखो यहाँ पे जब मैंने काम किया यूवीज पे, तो ये सब इक्वली रहे तो ज़्यादा बेटर है, तो एक बार से फिर से एक बार चेक कर लेना। टू यूवी सेल बॉर्डर, सेफ एंड इन्वर्स सिलेक्शन, देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड पहले यू पे चलो, अपने आप अरेंज हो जाएगा, अनफोल्ड फिर वी पे चलो, अपने आप जहाँ पे जगह होगी उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो ये ऊपर ठीक है, नीचे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा हॉस्पोस्ट टाइप से, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, दिस वन स्विफ्ट एंड अनफोल्ड, यहाँ पे यू पे गए, सही हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी अच्छे स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये चीज़ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक एक करके ही आपको डील करना है क्या, आप एकदम से सारे काम नहीं कर सकते, आपको मैनुअली चलना पड़ेगा यहाँ पे, और कॉर्नर को, हर कॉर्नर को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या अनफोल्ड यू, ऐसा आ गया, मुझे ऐसा चाहिए नहीं, अंडू किया, यहाँ पे कभी कन्फ्यूजन हो जाता था, ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, वी कर लेना, ये देखो ये हो गया, ठीक है। अभी यही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, जैसे यूवी सेल बॉर्डर कर दिया मैंने पास, तो मैं बस अपने आप बॉर्डर ही सिलेक्ट होगा। छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये चीज़ आराम से कर सकते हो। यहाँ क्रॉस चेक करो, टू अनफोल्ड वी, अप डाउन हो रहा है, अनफोल्ड यू, ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक छोटा सा पार्ट रेडी हो गया है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अब इस वाले पार्ट को भी जल्दी से कर लेते। टू सेल, सेल कर दिया यहाँ पे, चलते हैं यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, बीच वाले पार्ट को मुझे कट कर देना है, यहाँ पे सेंटर लाइन है, ध्यान देना, अगर लगता है पहचान में ना आए आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से चेक कर लेना, यहाँ पे सेंटर ही लाइन है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ पे, यूवी टू सेल। टेक्स्ट को एक बार और याद दिलाता हूँ, साइड वाला पार्ट इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, भाई चलो आ जाओ, टू सेल पकड़ा, उठाया,
अभी ये जब मैं स्टेट करूँगा तो मेरे लिए भी ईजी है। अगर मैं इसे स्टेट कर लूँ, स्टेट करने के बाद मैं इसे जोड़ूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी स्केल कर दिया यहाँ पे, अब मैं मैनेज करूँगा तो मेरे को मैनेज करने में टाइम लगेगा क्या। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड करके देखो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। ठीक है, यूवी टू सेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन पे गया, यहाँ पे शिफ्ट अनफोल्ड, अपने आप सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। टेक्सचर को ध्यान देना, टेक्सचर आपके यहाँ पे कॉर्नर पे स्टेट ही है। ठीक है, ये स्टेट रहेगा तभी चीज़ें सही आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी यहाँ पे। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, यू वी टू सेल, तो सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये ध्यान दो, ये पार्ट डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे गए और देन ये अलाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हम लोग अलाइन खुद कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर, अभी ये ध्यान देना यहाँ पे ये सिलेक्ट ना हो जाए क्या। ठीक है, ये पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और टू सेल बॉर्डर डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ये सारे पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट को पकड़ते हैं यहाँ पे पहले। टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी यूवी करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने सेट किया और देन मैंने अपर अप्लाई कर दिया यहाँ पे लाइक दिस, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, और देन यूवी टू सेल बॉर्डर यहाँ पे गए, डिसलेक्ट कर दिया मुझे, इन वाले पार्ट को भी हम बाद में डील करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, यहाँ का मेरे पास पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी मुझे देखो मैं अगर यहाँ पे ले आऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ को यहीं पे ले आऊँ तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्या ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना क्या। ठीक है, तो ऐसे करके भी डील करेंगे। टू सेल बॉर्डर, अभी सेल बॉर्डर पे गए, इसको डिसलेक्ट कर दिया मुझे यहाँ पे, ठीक है, अभी इतने पार्ट को मुझे डील करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने पार्ट के लिए मैं यहाँ पे स्टेट कर लेता हूँ। स्टेट कैसे करेंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ या फिर इस टाइप से कुछ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास पूरा पार्ट आ गया। टू यूवी सेल बॉर्डर शिफ्ट एंड इनवर्स, अनफोल्ड कर दो यहाँ पे, यू अनफोल्ड वी, अपने आप यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अपने आप अरेंज हो गया। कॉर्नर वाला पार्ट मैंने आपको जैसा आपको मैंने बताया था, फिर से ये पार्ट हमें यहाँ पे अनफोल्ड पे जाके पहले यू पे क्रॉस चेक कर लो, नहीं सही आएगा तो आप यहाँ पे वी पे क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, हर जगह का अपना एक पार्ट है कि मैं कैसे क्या डील कर पाता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे अगर यहाँ पे लगे कि मैं बस यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है कि मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैं अरेंज भी कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने टू सेल बॉर्डर कर दिया, यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन पे गए एंड अनफोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे करके आप अनफोल्ड कर सकते हो क्या। अनफोल्ड करने में देखो ओवरलैपिंग नहीं आनी चाहिए, अगर मेरे पास ये ओवरलैपिंग आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। टू सेल बॉर्डर करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतना पार्ट सही है, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है क्या। अभी यहाँ पे मैं कहूँ ये वाला पार्ट यहाँ तो सीधा है, ये वाला पार्ट आपका ऐसा कुछ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसके बाद में टेक्स्टिंग में उसके बाद मैं डील करूँगा कि भाई कैसे मुझे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया, आर टू सेल, आर फॉर स्केल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट में यहाँ पे मैनेज कर देना। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, टू सेल बॉर्डर, ठीक है, सेम चीज़। सबसे पहले अपने मॉडल को रोटेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो सेल बॉर्डर यहाँ पे गए, डिसलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और देन अलाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सेल बॉर्डर, ठीक है, तो सेल बॉर्डर देखो यहाँ पे सेट करो, हमने यहाँ पे क्या किया, अभी इस वाले पार्ट को जैसे मैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुआ तो हम लोग इसको भी दूर ही रहने देंगे। जैसे देखो दिख रहा है यहाँ पे कितना पार्ट है, मुझे इतना पार्ट ऐसे देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया यहाँ पे, और देन मुझे यहाँ पे क्या करना, अलाइन करना था, मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, भाई चलो ऐसे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है इन पार्ट को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जो मैं उस टेक्सचर में जैसे यहाँ दिख रहा है भाई, ये जो सेंटर लाइन है मुझे इसे भी अलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे अलाइन करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ को मुझे एक बार
क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। दोनों में मैंने अभी ऐसे ही कुछ किया यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, मैं यूवी में अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ तो मुझे टेक्स्चर में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही क्लियर सी बात बताता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे किया टू सेल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करता हूँ, सबको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और लेआउट में देखो लेआउट ऐसे भी आएगा, ठीक है। और लेआउट में जाके यू वी करो तो वी में आएगा, और लेआउट में जाके यू करके देखो अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे मैनुअली लेके चलता, तो मैंने मैनुअली ऐसे डील कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे माया में, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ को ऐड ऑन कर दिया। अभी मुझे करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल टेक्सचर अप्लाई कर दूँ, राइट क्लिक असाइन लैम्बर्ट मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, जीन्स, या देखिए मैंने जोड़ा नहीं है, ठीक है। मैं अभी यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारा काम ऐसा कुछ हो जाए, तो देन कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, माया में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है, प्रेस करो 6, ये देखिएगा आपको यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चीज़ को अरेंज कर सकता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं अभी यहाँ पे दोस्तों क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ। सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे आर फोर स्केल, इन चीज़ों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेंट्रल लाइन कहाँ है सबसे पहले पार्ट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ मैं कैसे आर फोर स्केल मैं तो ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे पास चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से हैं। दूसरी चीज़, जब मेरे पास जो दोनों सीम बनाए हैं ना मैंने यहाँ पे, दोनों सीम मेरे पास ऐसा कुछ रहना चाहिए जो इसको कवर कर सके, ठीक है। अभी एक बार क्रॉस चेक करके देखिए एक बार, चलो यहाँ चेक करो। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो मेरा मॉडल बहुत बढ़िया टेक्स्चर के साथ दिखेगा, काफ़ी हद तक आपका टेक्स्चर बहुत ही प्रॉपर दिखेगा यहाँ पर, देख रहे हैं। पीछे से थोड़ा सा अरेंज करना, वो जो मैंने अभी किया नहीं, बाकी आगे का देखो, आगे का काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा। क्या इन चीज़ को देखो, कहाँ कहाँ अरेंज करना है मुझे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे डील करना है कि मेरे पास टेक्सचर है कहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसके यहाँ देख के काम करना पड़ेगा कि ठीक है मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट को क्लिक किया यहाँ पे, अभी क्रॉस चेक करो यहाँ पे, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख के मेहनत करना है। ये मेरी पहले से प्री प्लानिंग है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट ये पार्ट में बस यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। आर फोर स्केल मैंने तो सा और लंबा किया यहाँ पे, ठीक है। सेंटर पार्ट कहाँ है, सेंटर पार्ट को आप देखो यहाँ पे, ठीक है। सेंटर पार्ट को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं सेंटर पार्ट यहाँ से यहाँ तक सेम दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पर, ओके। तो उसे देखते हैं यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ है, जैसे तो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे में बस यहाँ पे ऐसे दिख रही है, बहुत ही पास में आ चुके हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अगर अनफोल्ड करना पड़े तो मैं यहाँ पे अनफोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया अनफोल्ड, तो ये चीज़ आपको सही देखेंगे। जहाँ लगे कि मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, ठीक है, तो मैं ऐसे भी डील करके काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। अभी जहाँ पे मैं ये पार्ट है यहाँ पे, वहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जब मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया तो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इस टाइप से मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ताकि मेरा स्ट्रक्चर सही आए, हमें चीज़ों को थोड़ा सा बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकें यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, एक काम मैं टेक्सचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट ये कि अगर मैं जो यूवी निकाल लेता तो मुझे यहाँ पे टेक्सचर को एडजस्ट करना पड़ता फोटोशॉप में। अभी मैं फोटोशॉप में लेके जाना नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज किया, क्या कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो सेंट्रल लाइन यहाँ पे, तो सेंट्रल लाइन आने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे अपने आप कॉर्नर के ये जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर आ जाएगा। ये बहुत ही कम आ पाता है, अगर आप यहाँ पे देखो बहुत ही कम आ पाता है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर मुझे कभी सीम चेंज करना पड़े, जस्ट सपोज देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कुछ सीम ऐसा कुछ कट करके मुझे मैनेज करना पड़े, यहाँ ध्यान दो, देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अपनी सीम को ये बस आगे की तरफ थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना पड़े, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ इतना पार्ट ही चाहिए, बाकी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए जिसकी मैं कनेक्टिविटी देना चाहता हूँ। देखो तो लूप का भी मैं ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ये लूप तो इधर से टिल्ट करके यहाँ पे लाया हुआ है, ओके। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे एजिस कहाँ है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे,
तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट करके इधर भी मैं अरेंज कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे अरेंज करना हो तो, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिखाना है, मैंने यहाँ पर जो टेक्सचर किया वो टेक्सचर का मोटिव क्या था कि यहाँ पर चीज़ें कैसे दिखेंगी। यहाँ पर मैं बहुत ही नीचे से अगर मैं क्लोजर सेट करूँ तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग एक बार देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या करते हैं। अभी देखो लुक एंड फील हमारे पास चीज़ें बेटर आना स्टार्ट होगा, मुझे पीछे से थोड़ा सा मैनेज करना है और थोड़ा इधर से मैनेज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यूवी स्कैन तो मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आल्फा स्केल यहाँ पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, तो मुझे भी थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ही कुछ अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास ऊपर का पार्ट भी आ जाए, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास ऊपर का बेल्ट का पार्ट आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसे कुछ आराम से आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ पे चीज कैसी हैं, किस टाइप से हैं, और देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे यूवीज पे गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया शिफ्ट एंड अनफोल्ड, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे भी दिखेंगी, ये कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे शेप को ख़राब नहीं करना, अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड किस पे करना है, यू पे, ये ध्यान दो यहाँ पे, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे वी पे करके देखो एक बार यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता अनफोल्ड यू पे करता हूँ तो ऐसा कुछ कर गया, देखो यहाँ पे जो चीज़ स्ट्रेस थी वो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे अभी वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे कोई पार्ट यहाँ पे स्ट्रेस दिखे तो मैं यहाँ पे ऐसे डील कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके भी डील कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इन पार्ट को मुझे अरेंज करने के साइड वाले पार्ट को, साइड वाले पार्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ देखो, देखो साइड वाले पार्ट को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है वो अच्छा काम कर रहा है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, या ऐसा कट पार्ट है, देखो कट पार्ट मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखा हम लोगों ने ये वाला पार्ट में बस ज़्यादा बेटर है, अगर मैं स्ट्रेट करूँ यहाँ पे ये अच्छा है, लेकिन ये इसको मैनेज करना तो मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन वाले एजेस को जो मेरे पास एजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, यूवी टू सेल बॉर्डर, यूवी सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, टू सेल बॉर्डर बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है, देन इसको मैं अभी क्या कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी देखो कई जगह ऐसा भी काम होता है कि अपने टेक्सचर का आपको कुछ प्रीसेट बना के रखते हैं लोग, ठीक है, उसके तो वो उसके ऊपर ही टेक्सचर लगा देते हैं, तो दोनों टाइप ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे देखो ये भी मैंने काम किया, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए स्ट्रेट, तो स्ट्रेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यूवी टूल किट पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी टूल किट पे मैंने आगे अलाइन कर दिया। तो अभी मैं बस तो अलाइन में आ गया, वो मेरे बस ये पूरी एक लाइन आ गई, ठीक है। अभी इस अलाइन के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ को स्ट्रेट लेके आ सकता हूँ यहाँ पे टू सेल बॉर्डर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे अभी, ओके गाइस, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट किया टू सेल, साइड में कर लो अभी यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया टू सेल बॉर्डर, शिफ्ट पे गए, अनफोल्ड, अनफोल्ड यू किया, अनफोल्ड वी कर दिया मैंने यहाँ पे, जो भी चीज़ जैसे भी मैनेज होगी वो अपने आप दिख जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट अनफोल्ड पे गए, यू नहीं से काम कर रहे हैं यहाँ पे, वी ये काम करेगा, ठीक है, और देन यहाँ पे भी काम कर लो, ठीक है। पहले एक बार ये देख लें यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है अलाइनमेंट में दिक्कत है, तो मैंने यहाँ पे बॉटम कर दिया यहाँ पे, उसके बाद इसको भी जाकर डील कर लेंगे, अनफोल्ड यू ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना यहाँ पे, ठीक है, कैसे क्या हो सकता है। देन अभी इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मूवेंस यू कर दिया मैंने, क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, वही चाहिए थोड़ा सा सही है, यू वी टू सेल, ठीक है, यहाँ क्रॉस चेक करो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं क्या यहाँ पे, कि वो जो एजिस गए हैं वो कहाँ कहाँ गए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एजिस पे गए पहले एजिस, लास्ट एजिस, मूवेंस यू, बीच वाला पार्ट अपने आप आ जाएगा। ये देखो अप एंड डाउन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर कभी हो गया तो उसे भी आपको अलाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट में ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, यू वी टू सेल, इसे भी उठा के कर लो बाहर आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसमें आपको ये दिखेगा कि हमने टेक्सचर पे कहीं मेहनत नहीं किया, क्या हमने टेक्सचर के अकॉर्डिंग यू वी पे मेहनत किया, आगे का हम लोग यहाँ पे ऐसे आराम से डील कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही एंगल में अलाइन कर दो, तो बहुत सी चीज़ लाइक आपको ध्यान देना होता है क्या, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, टू
यू वी सेल बॉर्डर शिफ्ट अनफोल्ड यू अनफोल्ड वी, ठीक है, और देन यहाँ पे आप चीज़ों को आराम से मैनेज कर लूँ। ठीक है, अनफोल्ड पे कर दिया मैंने यू पे, नहीं अनफोल्ड पे वी पे, ऐसे करके मुझे यहाँ पे तो डील करना मिल जाएगा। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे अनफोल्ड वी, ठीक है, अनफोल्ड यू, ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, एज सच कुछ ऐसे डील कर सकते हैं यहाँ पे। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, एजिस पे गए मैंने यहाँ पे ऊपर वाले एजिस को पकड़ा यहाँ पे और नीचे वाले एजिस को पकड़ा, मूव एंड स्विव, बीच वाले पार्ट अपने आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मूव एंड स्विव कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, और यहाँ पे अब करोगे टू यू वी सेल बॉर्डर, यू वी सेल बॉर्डर, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करो आप, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मुझे इससे कोई लेने देना नहीं है, यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसलेक्ट कर दिया। हाँ ढूंढो, यहाँ पे कुछ चीज़ छूट गई है, वे जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे सीधा कर लेंगे ये पार्ट, तो बस आपको यहाँ पे अलाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस स्टूडियो में आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ डील करना पड़ जाता है, तो आप थोड़ा सा पहले से प्लानिंग कर लेना, ठीक है, और ऐसे करके हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर सकता हूँ। अरेंज कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे यू विश टू सेल, यहाँ पे क्रॉस चेक करके काम करना है यहाँ पे। हाँ ढूंढी, जैसे ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने आर प्रेस किया स्केल, तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को कुछ ऐसी अरेंज करना है कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ऐसे हैं जो अरेंजमेंट के साथ हो, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी मैं काम करने वाला यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ से भी सीधी है, क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर है और देन यहाँ पे चीज़ें बहुत ही मैनेज हों। तो इसे मैं थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, इसके जो एजेस है ना, अभी देखो यहाँ पे कुछ एजेस हैं जो बहुत ही सीधे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ये नहीं जा रहे मेरे पास यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन एजेस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलाइनमेंट करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास मैच नहीं होगा जब तक यह अलाइन नहीं हो, फिर से हम लोग यू वी टूल किट में आके अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। वो चीज़ आपके पास यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, और किस टाइप से काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से अलाइनमेंट देना है, वो मैं चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करूँगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी मैं इसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करके डील करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, फिर वो चीज़ें जो कॉर्नर पार्ट है वो सही दिखेगा। ये देखें यहाँ पे, ये जो पार्ट है प्रेस करो थ्री, ये आपका कॉर्नर पार्ट, देखो पीछे का पार्ट आपका अभी सही दिखेगा, क्या इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, अभी मैनेज करेंगे हम लोग यहाँ पे। बाकी पार्ट देखो यहाँ पे, जो मैं लाइनें हैं ना, देखो मॉडल के अंदर जो लाइनें हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं अलाइनमेंट पाता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। या तो देखो फोटोशॉप में मेहनत कर लो, या फिर आप यहाँ मेहनत कर लो। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा कि कैसे क्या डील करना है। नहीं देखो यहाँ पे एजेस हैं, कौन सा एजेस, ये एजेस हैं, इस एजेस को सबको पकड़ लो, ऊपर से देखो ऊपर से लेकर नीचे तक ये सेट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन कर सकता हूँ। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको अलाइन कर दिया। तो अभी धीमे धीमे चीज़ सब ना अलाइन के साथ सीधे सही आते रहेंगे, क्या जैसे ये पार्ट किया मैंने यहाँ पे, देन ये और ये पार्ट किया मैंने यहाँ पे, ये और ये पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट मैंने इसको क्या किया, अलाइन किया यहाँ पे। अलाइन में ये चीज़ आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। अभी ये पार्ट मैंने अगर अलाइन किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया। अभी यहाँ से इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे लास्ट के दो पॉइंट छोड़ देना आप यहाँ पे, देन अनफोल्ड करके देखना है पे, वो चीज़ें अपने आप कवर अप करेगा। देख रहे हैं पे, अब ये देखो यहाँ पे टेक्सचर में बस कितना बढ़िया दिख रहा है। पीछे वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनुअल थोड़ा सा वर्टेक्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं पे, तो मैं यहाँ पे यूवीज के साथ यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देन अप करके देखो यहाँ पे दिख रहे हैं पे, मुझे ऐसे करके भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे अगर करना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखो ओवरऑल देखोगे आप यहाँ पे, तो ओवरऑल में आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे वही मेरे चीज़ें बेटर आ रहा है यहाँ पे। देन देखो नीचे से कुछ पार्ट ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे वाले पार्ट को यू वी टू सेल आर फॉर स्केल हल्का सा स्केल भी करता हूँ। ये सारे काम हम लोग कहाँ करने वाले थे, अगर आपको याद हो फोटोशॉप में करने वाले थे। मैं फोटोशॉप को मैंने टच नहीं किया अभी, टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे, तो मैं टेक्सचर के साथ मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। हमें इसके थ्रू मैं अपने मॉडल को यहाँ पे आराम से
टेक्सचर कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, ऐसे करके हम लोग डील कर सकते हैं। एक दो चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना है, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि क्लॉथ की कुछ टेक्निक और भी है। जैसे देखो यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे अनरैपिंग पे काम किया, मेरे पास कार्टूनिक मॉडल है तो कार्टूनिक मॉडल को भी मैंने कुछ इस टाइप से मैंने करने की कोशिश की है। यहाँ पे चीज़ आपको दिखाते हैं, वैसे इस टाइप के मॉडल में स्टेट यूवीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल कलर डालो, पैटर्न डालो, काम हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस बहुत है, तो हमने कुछ इस टाइप से मैनेज किया, ऐसा कुछ सेट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर इसी टाइप से मैं चीज़ को आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेकेंड पार्ट है जिसमें टेक्सचर का पार्ट भी यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो टेक्सचर में भी यहाँ पे लाइक देखो इसके अंदर एक टेक्निक है प्रोजेक्शन टेक्सचरिंग, दो प्रोजेक्शन टेक्निक मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक टेक्निक और भी आएगा जिसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं देखो ये प्रोजेक्शन टेक्सचरिंग है, ये हो गया, इसके पीछे सीमलेस टेक्सचर है। सीमलेस टेक्सचर में क्या होगा कि मैंने सीमलेस टेक्सचर उठा के लगाया, उसमें कहीं स्ट्रेस पता नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये कॉर्नर पर लाइन है ना, ये लाइन है, ये पॉकेट, ये आपको अलग से निकाल के काम करना पड़ेगा। इसका भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ठीक है, सेगमेंट को आपको ध्यान रखना। देखो ये दे रखा मैंने यहाँ पे कि सीमलेस टेक्सचर ले तो यहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं आएगी, सीमलेस टेक्सचर में चीज़ें बेटर दिखती हैं। तो इन चीज़ को एक बार ध्यान देके चीज़ को फुलफिल करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को मैंने मास्क करके यहाँ पे दिखाया कि सिंपल अगर मेरी लाइन है, मास्क करके दिखाया यहाँ पे ये लाइनें कैसे देते हैं। तो ऐसे ही करके भी डील कर सकते हैं कि सीमलेस टेक्सचर आपने बनाया और सिर्फ स्टिचेस आपने उठा के यूवी के अकॉर्डिंग रख दिया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और हम लोग चीज़ों को कुछ स्टेप से फुलफिल कर सकते हैं।